हेलो फ्रेंड्स, आज हम ड्यूअल स्टार्टर और मोटर का कनेक्शन जिसमें पावर और कंट्रोल सर्किट की वायरिंग करेंगे, साथ ही साथ मोटर को रन कराएंगे। तो मैं आपको बता देता हूं, ये थ्री फेस मोटर है जिसका ये डिटेल है 1.5 HP, 1.1 किलोवाट, 2.6 एम्पियर, पावर फैक्टर 0.78, एफिशिएंसी 76.8, 1440 आरपीएम, 50 हर्ट्ज, कनेक्शन स्टार में है, IP55, ड्यूटी एस में। ये सारे डिटेल मैं पहले वीडियो में बता भी चुका हूँ, आईपी वगैरह ड्यूटी वगैरह का सारा डिटेल, और फर्दर आगे वीडियो में भी आएगा। ओके, अभी मैं मोटर के कनेक्शन देखता हूँ। स्टार कनेक्शन, ये तीन वाइंडिंग्स हैं, A1 A2 एक वाइंडिंग है, B1 B2 दूसरी वाइंडिंग है, C1 C2 दूसरी है। जब हम स्टार में कनेक्शन करते हैं तो वाइंडिंग के एक तरफ के तीनों सिरों को हम शॉर्ट कर देते हैं, ठीक है ना, और हमें इन तीन A1 B1 C1 ये तीन टर्मिनल्स पे हमको सप्लाई देनी होगी। तो मैं पहले इसका पावर सर्किट बनाऊंगा, फिर कंट्रोल। इससे पहले आप मोटर देख लो, मोटर जो जिस पे हमें कनेक्शन करना है। तो ये मोटर देखो, ये मोटर है, ABB की मोटर है, और ये पूरी नेम प्लेट है। पूरी थोड़ी देर के लिए रोक के रखना जो कि पूरी प्लेट आ जाए। देखो कनेक्शन 415 स्टार, स्टार कनेक्शन है। मेरी उंगली दिख रही होगी आपकी, और थोड़ा सा और नीचे, हाँ ठीक है ना, 415 वोल्ट का स्टार कनेक्शन है, ठीक है ना, और किलोवाट है 1.1, देखो ये 1.1 किलोवाट है ना, 1.5 HP और 1.1 किलोवाट। ओके, तो अब ये कनेक्शन है, ये देखो तीन मोटर के टर्मिनल्स हैं, 1, 2 और 3। ये तीन टर्मिनल हैं जिस पर हमें कनेक्शन देना है, बाकी के तीन टर्मिनल अंदर ही शॉर्ट कर दिए गए। ओके, तो मैं इसका पहले कनेक्शन बताता हूँ, फिर इसको हम रन कराएंगे। तो पहले बनाएंगे पावर सर्किट। पावर सर्किट में क्या है कि सबसे पहले हम सप्लाई लेके जाएंगे, वो जाएंगे MCB लगाना जरूरी है, क्योंकि MCB क्या करती है, ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट दोनों कंडीशन में सर्किट को ट्रिप कराती है। तो ये एक सिंबल बन गया, ये जनरली सिंबल एक स्विच का है। अगर इसमें MCB करते हैं तो इस तरीके से हमको करेंगे, तो ये MCB को का सिंबल कहलाएगा। ओके, ये हमारे प्रोटेक्शन है, ये शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन है और ये ओवरलोड है। ओके, इसके बाद हमारे ये तीन फेस आगे गए, जिसमें R, Y और B। RY भी तीन फेस, हमने क्या करा, यहां से लिया एक तार, ये ले ली दूसरी तार, ये ले ली और तीसरी तार हमने ये ले ली। ये हमने कनेक्शन कॉन्टैक्टर का ले लिया। जो हम कॉन्टैक्टर लेंगे वो मैं बता देता हूँ आपको कनेक्शन कैसे करना है। ये देखो ये कॉन्टैक्टर है, मैंने लूज अभी बनाया हुआ है कॉन्टैक्टर। देखो कनेक्शन, देखो यहाँ 1L1 दिख नहीं रहा मुझे लगता है, क्लियर नहीं। इस कॉन्टैक्टर को देखो, मुझे ये दिखना चाहिए पूरा, L1 दिखना चाहिए बच्चों को, वहाँ पूरा L1 T1 L2 कहाँ दिख रहा है, दिख रहा है L2 T2 L3 और T3, और ये नंबर है 13 14 जो तार का नंबर है ये, हाँ अब सही आ रहा है, ठीक है, 13 14 जो है ना वो कंट्रोल का है, और L1 T1 L2 T2 L3 T3 पावर का है। तो हमको जो मोटर कनेक्शन करना है, इधर देखो A1 A2 भी है कॉन्टैक्टर पे, दिख रहा है, और इधर ये A1, ठीक है, ठीक। और ये हमारा इसकी कॉन्टैक्टर की जो हम सप्लाई कॉइल की रिक्वायरमेंट है वो ये है, वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी यहां दी हुई है, ठीक है। और ये हमारी स्टॉप पुश बटन है, इसको हम यूज करेंगे। इसमें देखो एक और दो नंबर तार होगा, 1 और 2 इसमें दिख रहा है क्या, ये लाल कलर की होती है, रेड कलर की, ठीक है ना, और इसका ये एक्चुएटर है। तो ये हमारा एक्चुएटर कहलाता है और ये कहलाता है एलिमेंट। ये हमारा स्टार्ट पुश बटन का है, ये एक्चुएटर है और ये एलिमेंट है। ये थोड़ा सा दिखा दो गौर से, ये देखो 3 और 4 नंबर दिख रहा है, 3 नंबर और 4 नंबर, इस पर हमेशा नंबर होता है 3 और 4, दिख रहा है,
और ये एलिमेंट है और ये एक्चुएटर है। तो हमें दो बटन इसमें आवश्यकता होगी, एक ग्रीन वाली एक रेड वाली। ये ओवरलोड रिले है, ये देखो जरा ओवरलोड रिले पर 95-96 देखो कहाँ है, 95-96 ये एनसी कॉन्टैक्ट होता है, दिख रहा है 95-96 देखो कहाँ है, दिख गया कहाँ है 90, ये 95-96 है ना। हम यहाँ पे कनेक्शन करेंगे ओवरलोड रिले में, ये और ये ओवरलोड रिले की रेंज है, ये दिख रही है ना। तो अब मैं कनेक्शन स्टार्ट करता हूँ। ये मैंने आइटम तीनों आपको दिखा दिए, मोटर मैंने पहले आपको दिखा दिया। अब देखो हमारा कॉन्टैक्टर है ना के वन पे, इस पे क्या है एल वन और टी वन, एल टू और टी टू, एल थ्री और टी थ्री, ये हमारे पावर के कॉन्टैक्ट होते हैं कॉन्टैक्टर में। इसके बाद यहां पे जाएगा सिग्नल ओवरलोड रिले पे। ये जो ओवरलोड रिले मैंने बताई थी, ओवरलोड रिले क्या है कि ये कॉन्टैक्टर में इस तरीके से लग जाएगी। इधर लाओ जरा, ये देखो L1 T1 किधर है, T1 T2 T3, T1 T2 देखो। इस ओवरलोड रिले को हम क्या करेंगे, ये देखा ना T1 T2 T3, इधर देखो T1 T2 T3 जो आउट गोइंग है कॉन्टैक्टर की, दिख रही है T1 T2 T3 में, इसको ऐसे हम लगा देंगे ऐसे। देखो ये ओवरलोड रिले की तीन पिन है ना, एक दो तीन, हम क्या करेंगे इनको T1 T2 T3 में ऐसे इंसर्ट करा देंगे। समझ में आया ना, मैं दोबारा आपको बता देता हूँ। ये निकाल ली, निकाल के और हम इसको ऐसे इंसर्ट करा देंगे, ठीक है। हाँ, इसके बाद अब मैं सर्किट बनाता हूँ। ये ओवरलोड रिले हो गया, तो T1 से इधर ओवरलोड रिले से निकलेगा और ये हमारी थ्री फेज मोटर होगी, थ्री फेज मोटर, और इसका ये टर्मिनल प्लेट है एक दो तीन, ये टर्मिनल्स है तीन, ठीक है। तो ये हमारा कॉन्टैक्टर है केबल और ये हमारी ओएलआर है, ठीक है। तो ये हमारा पावर का सर्किट हो गया, कॉन्टैक्टर के कॉन्टैक्ट से होता हुआ ओवरलोड रिले और ये मोटर पर चला जाएगा। अब इसका कंट्रोल सर्किट बना दे, ठीक है ना। तो कंट्रोल सर्किट में क्या करेंगे हम, दो लाइन ऐसे बना लो वर्टिकल और इधर दे दो, मान लो फेस हमने दे दिया, इधर न्यूट्रल दे दिया, क्योंकि कॉन्टैक्टर की जो कॉइल है उसको 220 वोल्ट चाहिए। तो कॉइल का सिंबल यहां बना दो, ये कॉइल का सिंबल हो गया, इस कॉइल का ये सिरा हो गया A2 और ये सिरा हो गया A1, ठीक है ना। A1 A2 को दे दो न्यूट्रल डायरेक्ट, A2 को हमने क्या किया न्यूट्रल डायरेक्ट दे दिया और A1 को हम लाएंगे फेस। तो सबसे पहले हम फेस को लेके जाएंगे और वो ओवरलोड रिले पे लगाएंगे ओ एल आर, ओ एल आर का ये 95 नंबर और ये 96 नंबर, ये ध्यान रखना एनसी है 95-96। इसके बाद हम लेके जाएंगे स्टॉप पुश बटन पे, स्टॉप पुश बटन, स्टॉप पुश बटन पे एक नंबर और दो नंबर होगा, ठीक है ना। इसके बाद हम जाएंगे, ये थोड़ा सा मैं आगे बढ़ा देता हूं उसको, इसके बाद हमारी वायरिंग जाएगी स्टार्ट पुश बटन पर, स्टार्ट पुश बटन पर जाएगी तो ये इस तरीके से सिंबल होता है स्टार्ट पुश बटन का और उस पर नंबर होता है तीन और चार और ये हो गया स्टार्ट पुश बटन। और यहां से होता हुआ फिर हमारा कॉइल को जाएगा, कॉइल के दो सिरे होते हैं ए वन और ए टू, ए टू पे हमने दे दिया न्यूट्रल, ठीक है ना, और ए वन पे हमने दे दिया फेज। मैं स्टार कटा देता हूं एक्स्ट्रा, ठीक है। यहां पे इसके पैरेलल में होल्डिंग दे देते हैं इस कॉन्टैक्टर की जो हमारा K1 कॉन्टैक्ट है, तो इसका ना हमें लेना है इस कॉन्टैक्टर के, देखो L1 T1 L2 T2 L3 T3 ये तो यहां ले लिए थे, अब बचाता 13-14 और 13 और 14 हमने यहां ले लिया। ये हमारा हो गया कंट्रोल सर्किट जिसमें अगर हमारी ओवरलोड रेट ट्रिप करेगी तो मोटर ऑफ हो जाएगी, K1 गिर जाएगा, स्टॉप बटन दबाएंगे तो भी K1 हमारा ऑफ हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया कंट्रोल सर्किट। अब हम मोटर का पहले कनेक्शन देख लेते हैं और इसको रन करा देते हैं, ओके। हम मोटर का कनेक्शन देख लेते हैं, ये मोटर है हमारी जो मैंने अभी आपको दिखाई थी, इसकी ये तीन तार हमने लगा दिए पहले ही, है ना, एक तार और ये दूसरी तार और ये तीसरी तार, ये हमारी केबल है। इस केबल का कनेक्शन हमने यहाँ कर दिया है कॉन्टैक्ट की जो ओवरलोड रिले है, ये ओवरलोड रिले है ना, ओवरलोड रिले के हमने करा है यहाँ पर, देखो
आउट गो इनसाइड, ये देख रहे हो तीन तार हमने आर वाई और बी, आर वाई बी, और ये 95-96 ये कंट्रोल के लिए है, ठीक है। और ये देखो हमारा यहाँ से एमसीबी से कनेक्शन आ रहा है, लाल हमने तार लगा दी L1 पे, पीली तार हमने लगा दी L2 पे और नीली तार लगा दी L3 पे, ये हमारे पावर की तीन के तार है ना, ये देख रहे हो आप तीनों तार है, देख रहे हो, हाँ ठीक है। और यहाँ से ओवरलोड रिले से होता हुआ हमारा कनेक्शन जा रहा है, और ये 13 और 14 नंबर ये हमारा कंट्रोल में जाएगा, ठीक है ना। तो ये पावर का सर्किट हो गया। कंट्रोल के सर्किट में हम क्या करते हैं, ये हमने फेस ले लिया, ये देखो पीली तार, ये हमारी पीली तार 95 पे आई, यहाँ पे 95 पे, 95 से 96 से ये तार हमारी निकल के और ये हमारी गई स्टॉप पुश बटन पे, स्टॉप पुश बटन के कहाँ जा रही है, 1 नंबर पे, ठीक है। और यहाँ से 2 से निकली, फिर 3 पे गई, 3 से 4, 4 से होती हुई और ये आ गई हमारी कॉइल पे, ठीक है ना। और ये हमारी 13 और 14 वो 3 और 4 के हमने पैरेलल में कर दिए दोनों, ठीक है ना, ये दोनों हमारे पैरेलल में, ओके। अब हम इसको मोटर का पहले देख लेते हैं, रेजिस्टेंस चेक कर लेते हैं, और इसको चलाने से पहले अब बाइंडिंग का रेजिस्टेंस देख लेते हैं। ये हमारे पास LCR मीटर है जो रेजिस्टेंस भी बताता है, थोड़ा उधर ठीक है, 13.4 ओम, ओके। और हम यहाँ पे लगाते हैं इसको 13.4 ओम। अब मैं इसको यहाँ लगा देता हूँ, 13, तीनों का रेजिस्टेंस वैल्यू वाइंडिंग का बराबर आना चाहिए, जो कि बराबर आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब मोटर की वाइंडिंग ठीक है, 13.4 ओम रेजिस्टेंस आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, इसको सप्लाई देते हैं। तो देखो ये हमारी स्टार्ट पुश बटन है और ये स्टॉप पुश बटन है। अगर हम ये वाली बटन दबाते हैं, स्टार्ट पुश बटन हमेशा हरी होती है, ग्रीन कलर की, ये बटन दबाएंगे तो हमारा कॉन्टैक्टर ऑन हो जाएगा, ऑन हो गया, और लाल वाली बटन दबाएंगे तो ऑफ हो गया, फिर हम इसे दबाएंगे तो ये फिर ऑन हो गया। और अगर हम ओवरलोड रिले है ना, ये भी इसे रीसेट कर देंगे तो ये गिरा देंगे, ठीक है ना। तो ओवरलोड रिले को टेस्ट कर सकते हैं, यहाँ से टी लिखा है ना, टी का मतलब होता है टेस्ट करना, अगर हम इसे दबाएंगे तो ये गिरा देंगे, ठीक है। हमने फिर ऑन कर दिया, फिर ऑफ कर दिया। अब हम इसको पावर सप्लाई दे देते हैं, तो पावर सप्लाई इसकी ऑन कर देते हैं। अब मैं इसको, फिर पावर सप्लाई आ गई और मैं इसे, अब देखो हमारी मोटर ऑन हो गई, अब मोटर पे हमारा वोल्ट, अब मैं इसका वोल्टेज चेक करूंगा, एक बार ठीक है ना, 400 का वोल्टेज और इधर हमारा 397 और इधर 390, ठीक है ना। ये तीनों वाइंडिंग्स पे वोल्टेज आ रहा है फेस टू फेस, तो ये वोल्टेज हमें चेक करना होता है, तीनों वाइंडिंग पे वोल्टेज हमारा आना चाहिए, वोल्टेज हमारा आ रहा है, वोल्टेज का अब हम देखेंगे इसका करंट, तो मोटर करंट कितना ले रही है वो हम चेक करेंगे, ठीक है। तो करंट चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से क्लैंप मीटर लगाएंगे, ठीक है, ये क्लैंप मीटर है और इससे हम करंट चेक करेंगे, ठीक है ना। ये आ रहा हमारा 1.92 एम्पियर, ठीक है ना, ये हमारा करंट हमने देख लिया। और इस तरीके से हमारा फ्यूल स्टार्ट का करंट भी तीनों फेसों में बराबर आना चाहिए और वोल्टेज भी लगभग बराबर जाना चाहिए, वोल्टेज में थोड़ा सा अंतर आ रहा है 2-3 वोल्ट का, तो वो इतना अलाउबल होता है, 1-2% इसमें चल जाता है, ठीक है ना। तो वोल्टेज और करंट और रेजिस्टेंस ये तीनों चेक करना बहुत जरूरी है, तभी मोटर को चलाएं, अदरवाइज मोटर हीट होकर जल जाएगी। कनेक्शन करना बहुत जरूरी है, हमारे जो टर्मिनल्स हैं जैसे बताएं टर्मिनेशन, वैसे ही आप कनेक्शन करें,
मैं आपको बता दूं, हमारा बेसिकली ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस भी चली हैं, ट्रेनिंग सेंटर भी है, जिसमें हमारे पास पूरी लैब है और करीब मेरा 30 ईयर एक्सपीरियंस है, 15 ईयर इंडस्ट्रियल और 15 ईयर इंस्टीट्यूशनल का है, टोटल 30 साल का है। तो मैं लैब का भी थोड़ा सा ओवरव्यू आपको दे देता हूँ। ये हमारा मिसुबिशी का स्टेशन है, थोड़ा सा नजदीक से कर लेना। ये मिसुबिशी की पीएलसी है, मिसुबिशी का स्टेशन है और ये हमारा मशीन है जिसमें डबल सिलेंडर की मशीन है, जब इसको प्रैक्टिकली हम चलाते हैं, दो सिलेंडर है इसमें, एक सिलेंडर यहाँ है, एक सिलेंडर इधर है। तो इसका पूरा सर्किट बना के एचएमआई, मिसुबिशी की एचएमआई है, देखो मिसुबिशी इलेक्ट्रिकल, खैर नजदीक से ठीक है। और ये हमारा सर्वो मोटर है, ठीक है ना, सर्वो मोटर है, सर्वो ड्राइव है और ये पीएलसी है डेल्टा की, ये ओमरॉन की पीएलसी है, ठीक है ना, और ये हमारी डेल्टा की पीएलसी है, टेम्परेचर कंट्रोलर, ये एचएमआई, ये देखो हमारा एचएमआई फंक्शन देख लो, ये ऑन ऑफ एचएमआई है ना, उधर उधर भी देख लो, ठीक है ना, ये हम एचएमआई से फंक्शन हो रहे हैं, ओके। तो एचएमआई, और ये हमारा आयलन बेडली का पीएलसी है और ये सीमेंस का पीएलसी है, सीमेंस का, ठीक है। और ये दूसरी लैब है, ये लैब टू है, ये लैब थ्री है, ये तीसरी लैब है जिसमें पूरा कम्युनिकेशन करके, कम्युनिकेशन केबल लगी हुई है, पीसी से प्रोग्राम करके डालना, ये कम्युनिकेशन केबल है पीसी से, ये पीएफडी है। तो इस तरीके से हमारे पास पीएलसी, आरएलसी, पांच मेक की पीएलसी है और एचएमआई, स्काडा, हाइड्रोलिक, न्यूमेटिक, सीएनसी मशीन मेंटेनेंस, हमारे पास सीएनसी मशीन भी है, बीएमसी मशीन भी है, फानुक सीमेंस दोनों के कंट्रोल है और ऑटोमेशन का पूरा कोर्स है, हाइड्रोलिक न्यूमेटिक सब कुछ आ जाता है उसमें, और साथ ही साथ हाइड्रोलिक का पावर पैक जिस पर हम कर रहे थे वो था ही, और साथ ही साथ सीएनसी बीएमसी प्रोग्रामिंग के कोर्स भी हैं जिसमें सीएनसी प्रोग्रामिंग, बीएमसी प्रोग्रामिंग, सीएनसी कैड, कैम, डेल कैम, ऑटो कैड और आपका ये क्वालिटी कंट्रोल, ये सब उसमें कवर होता है, मैक्रो प्रोग्रामिंग भी उसमें आ जाती है। तो चार्जेज भी बहुत कम है, उसके लिए आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं जो नंबर्स हैं उन पे, और बाकी जो है ना, अगर आपको कोई इसमें डाउट है कुछ भी है तो आप कमेंट में भेज सकते हैं, ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच।